हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। करण सिंह भुचाल। कौन सी पार्टी है आपकी? राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी। आज जो आपका जंतर मंतर पे प्रदर्शन होने वाला था, वो किन किन मुद्दों को लेकर आप प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिसकी परमिशन जो है प्रशासन ने कैंसिल कर दी है, वो क्या क्या मुद्दे थे? आज हम पेट्रोल के लिए जा रहे थे, जो दिल्ली सरकार और भारत सरकार ने पेट्रोल का दाम कम से कम 30% तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा रखे हैं और 20% दिल्ली सरकार ने बढ़ा रखे हैं, जो कि इनको नहीं लेना चाहिए। ये गलत ले रखा है, ये तरीका गलत है इनका। इनको हमेशा जाम से बस 10% टैक्स वसूल करना चाहिए। तो नेताजी, ये जो इतना टैक्स वसूल कर रहे हैं, इससे क्या कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये क्या कारण है इतना पैसा? या सरकार अपना खजाना भर रही है, क्या हो रहा है? खजाना गवर्नमेंट अपना खजाना भर रही है। अरे कोई भी चीज़ लेने जाओ, उस पर टैक्स, रोड टैक्स, पेट्रोल टैक्स, घर टैक्स, अरे कितना टैक्स देंगे हम? सब टैक्स टैक्स देते रहते हैं, यानी इतना टैक्स दे रहे हैं कि पता नहीं कितना टैक्स लेंगे हमसे, जबकि इनको ये गैर कानूनी है सब। ये समाज का शोषण कर रहे हैं ये लोग। इनको हटाना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। सरकार का कहना है कि जो हमने दाम पर बढ़ा रखे हैं पेट्रोल पर, जो इतना टैक्स लगा रखा है, वो देश हित में, देश पैसा आएगा तो देश का विकास होगा। नहीं, विकास क्या करें, तो अपना विकास करते हैं, देश का कहाँ विकास करते हैं? देखो अपने अपने खर्चे, अरे इनको तनख्वाह मिलती है, अपने खर्चे भी घूमे ये, क्यों पे हमारे समाज के टैक्स के पैसे भी घूमते हैं, क्यों उनको बेकार करते हैं इन्हें? जिस तरह से आपने ईवीएम को बैन करने की बात की है, और चुनाव के दौरान जब नॉमिनेशन होता है, अधिसूचना जारी होती है, उस टाइम चुनाव चिन्ह रद्द करने की बात की, क्यों ऐसा क्यों? चुनाव चिन्ह ऐसा है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो लोकसभा भंग होती है, लोकसभा भंग होने के बाद में चुनाव चिन्ह सबका रद्द हो जाना चाहिए, ऐसा एक प्रावधान है, जबकि होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऐसा करते नहीं है। इन बड़ी बड़ी पार्टियों को तो चुनाव चिन्ह वही मिलते रहते हैं, और छोटी पार्टियां को चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाते हैं। अगर इनको चुनाव चिन्ह नहीं मिलेंगे तो ये पार्टियां सक्रिय कैसे होंगी, कैसे समाज का शोषण खत्म होगा? इन पार्टियों को आगे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जबकि इन सबके चुनाव चिन्ह लोकसभा होने के बाद सही पार्टियों के चुनाव चिन्ह रद्द हो जाने चाहिए। मतलब आपका कहना मतलब कि जो चुनाव चिन्ह पार्टियां का है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी की जो परमानेंट स्टेट है, वो हर बार नया चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए उनको भी, नई पार्टी की तरह। हाँ, सही तरह से जब लोकसभा भंग होती है तो सब पार्लियामेंट भंग हो जाती है, भंग होने के बाद में चुनाव चिन्ह सबके रद्द हो जाते हैं। इसका मतलब फिर ये नहीं रहता है कि चुनाव चिन्ह हर पार्टी को नए सिरे से चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। ये नहीं कि पार्टी आती है और इनके चुनाव चिन्ह तो पुराने रहते हैं, नई पार्टी को चुनाव चिन्ह मिलते नहीं है। आखिर एंड में 15 दिन के बाद इनको चुनाव चिन्ह किसी को कुछ दे दिया जाता है, तोता दे दिया जाता है, किसी को चाकू दे देता है, किसी बेल्ट दे दी जाती है। आखिर वो तो हारेंगे जब जिन। इसलिए चुनाव चिन्ह का प्रकरण यह है कि लोकसभा भंग हुए, चुनाव चिन्ह रद्द कर दो, और दूसरा हर 6 महीने के अंदर चुनाव के होने से पूर्व सबको चुनाव चिन्ह बराबर दे दिया जाए। सर, आप पेट्रोल की महंगाई को लेकर के जंतर मंतर पे प्रदर्शन की मांग कर रहे थे जी, तो उस पे आपको परमिशन नहीं मिल पाई है, तो अब क्या करेंगे आप? हमें परमिशन नहीं पड़े, कोई बात नहीं, फिर आके देखेंगे हम। अगर अभी परमिशन उन्होंने कहा है कि COVID-19 है, इसलिए 30 अप्रैल के बाद फिर आ सकते हैं आप चाहें तो। ऐसा कुछ नहीं है, आज पहली बार हमारा प्रोग्राम रद्द किया गया है। हमने हजारों प्रोग्राम किए हैं राष्ट्रीय पार्टी के नाम से, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है। COVID-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है, सरकार को जितनी व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार ने उतने इंतजाम नहीं किए, या लोगों की लापरवाही से फैल रहा है, क्या कारण मानते हैं? ये सरकार की लापरवाही से फैल रहा है। सरकार चाहे तो सब कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सरकार कंट्रोल कर भी रही है, दिखावा कर रही है, एक सिर्फ दिखावा ज़्यादा है, कंट्रोल कम है। लेकिन जैसे बड़े बड़े सेपरेट मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको आजकल कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको अगर पॉजिटिव आते तो लगभग लोग डेथ होकर आते हैं, बाकी लोग सही से ठीक होकर आ जाते हैं, क्या मानते हैं इसको? नहीं, एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, उसको कोरोना क्यों नहीं हो रहा भाई? ये चुनाव प्रचार लगकर कर रहे हैं, इनको कोरोना क्यों नहीं हो रहा भाई? बिहार में चुनाव हुआ भी, उसमें कोरोना क्यों नहीं हुआ?
अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, इनका वहाँ कोरोना कहाँ गया? ये तो सिर्फ कुंभ का, कुंभ में लाखों आदमी है। ये तो सिर्फ ऐसा है कि ये तो इनको जबरदस्ती का कोरोना घोषित करके समाज को धोखा दो, पब्लिक का शोषण करो, ये सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। सर सवाल ये उठता है कि जैसे कि प्रधान मुख्यमंत्री गृह मंत्री को कोरोना हुआ और वो सही सलामत होकर के अपने घर वापस आ गए हैं, लेकिन यदि गरीब आदमी अगर किसी भी मरीज में मुबतला होकर के अस्पताल जाता है तो उसकी डेड बॉडी मिलती है, उसे कोरोना में घोषित कर दिया जाता है, तो इस पर आपकी क्या राय है? ये क्या क्या कहेंगे आप? ये इनकी साजिश है, बहुत बड़ी गहरी साजिश है, जो ये कितनी गहरी साजिश है कि पेशेंट को देखते नहीं, ध्यान से देखते नहीं है, देखा कि ये बीजेपी का है। अरे मैंने तो एक चीज़ देखी है, इन्होंने तो एक चीज़ देख रखा है कि जितने दलित हैं दलितों को मार डालो, मुसलमानों को मार डालो, हैं बस यही शोषण करना है इनका, तो इनका तो एक मुख्य कारण यही है इनका। लेकिन डॉक्टर को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे तो जनता भगवान। डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर बहुत से डॉक्टर भी COVID-19 के अंतर्गत मर चुके हैं, क्योंकि उनका भी सही तरीके से उनको उपचार के लिए साधन नहीं दिए गए, इसलिए डॉक्टर के साथ भी ऐसे हादसे हुए हैं, बहुत से डॉक्टर कई जगह मारे गए हैं। राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी क्या क्या मांग करती है? पेट्रोल के रेट कम होने चाहिए, बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए बेरोजगारों को 5,000 महीने में कम से कम, क्योंकि इतनी बेरोजगारी हो गई है कि कहीं भी आज रोजगार के साधन बहुत कम हो गए हैं और अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ गई है। तो आगामी अब इसके बाद फिर आप इस प्रोग्राम की तैयारी करेंगे? हाँ फिर तैयारी करेंगे, जब ये कोरोना थोड़ा सा फर्क पड़ेगा तो थोड़ा सा करते हैं फिर से। जो मांगे हैं आपकी सरकार से, सरकार इन पर सुनवाई नहीं करती है, तो अगला कदम क्या होगा आपका? फिर हम ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, करेंगे जो करना हमें। लेकिन सरकार को हमने ज्ञापन तो दे, हमने अपना शिकायत तो दे चुके हैं, सारी शिकायत जा चुकी है हमारी, शिकायत ये इलेक्शन कमीशन को हम दिया है, 6 तारीख को इलेक्शन कमीशन को भी ये हमने अपना ज्ञापन दे चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले